साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी भाई। आज अपन बात करेंगे कि मैंने सुबह एक वीडियो डाला था, उसमें आपको बताया था कि भाई 12 देशों के 64 फ्लाइट से 15,000 लोग इंडिया में आएंगे। मैंने कंट्रीज़ के नाम बताए थे, प्लस उनकी पैसा बताया था कि भाई कौन सी टिकट के कौन सी कंट्री का कितना पैसा लगेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे साथियों कि कौन सी कंट्रियों के कितने कितने लोग इंडिया आ रहे हैं, कितने कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन नंबर बहुत कम लोगों का आ पाया है, क्योंकि आपको पता है एक साथ सबको रिकवर करना संभव नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी लाखों की तादाद में लोग हैं, इसमें इंपॉर्टेंस उनको दी गई है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनमें मैं कुछ बताऊंगा आपको 12 कंट्रियों के कितने कितने लोग इंडिया पहुंचेंगे अगले 8 मई से लेके 13 मई तक के बीच में, यानी 1 वीक में कितने लोग पहुंचेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। फर्स्ट में बात कर लेते हैं भाई यूएसए, यूके, अमेरिका के कितने बंदे अमेरिका से साथियों 2100 बंदे, यानी 2100 बंदे 8 मई से 13 मई के बीच में पहुंच जाएंगे। फ्लाइट्स मैंने बता दिए कि भाई पहले वाले में कितने फ्लाइट्स पहुंचेंगे, वो सब आपको बता दिया गया है सुबह वाले वीडियो में। मलेशिया की बात करें तो साथियों मलेशिया में बहुत सारे रजिस्ट्रेशन एक साथ हुए थे, लेकिन उनमें से 1750 बंदे ही 8 मई से 13 मई के बीच में पहुँच पाएंगे। ब्रिटेन से भी 1750 बंदे ही 1 वीक में पहुँचेंगे आने वाले टाइम में। बांग्लादेश की बात करें साथियों, बांग्लादेश से भी 1400 बंदे रिकवर किए जाएंगे अगले 8 मई से 13 मई के बीच में। फिलीपींस की बात करें, फिलीपींस से भी 1250 बंदे इंडिया पहुंचेंगे अगले 1 वीक में। आगे बात करते हैं सिंगापुर, सिंगापुर से भी साथियों 1250 बंदे ही पहुंचेंगे अगले 1 वीक में। बात कर लेते हैं भाई गल्फ कंट्रीज़ की, आपको पता है गल्फ कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन यूएई दुबई में होते हैं, ओनली 2 लाख लोग दुबई में ओनली रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। बाकी अगर गल्फ की पूरी कंट्रियों की माने तो सब कंट्रियों के मेरे हिसाब से 4 लाख प्लस जाएंगे, 5 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ही इंडिया पहुँच पाएंगे अगले 1 वीक में। हालांकि धीरे धीरे गवर्नमेंट सबको रिकवर करने की कोशिश करेगी। सबसे ज़्यादा लोग केरला के पहुँचेंगे, क्योंकि केरला के गवर्नमेंट ने भाई पहले से व्यवस्था कर रखी है, इसलिए जहां व्यवस्था पहले कर रखी है वहीं के लोग सबसे ज्यादा आएंगे अगले वीक में। 3100 के करीब सबसे ज्यादा लोग केरला के ही पहुंचेंगे इंडिया के अंदर। इसमें बात कर ले साथियों यूएई यानी दुबई से कितने लोग पहले पहुंचेंगे, मैं बता दूं 2000 लोग दुबई से यूएई इंडिया पहुंचेंगे फर्स्ट वीक 8 मई से 13 मई के बीच में। सऊदी अरबिया से पहुंचेंगे 1000 बंदे, 1000 बंदे जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वो अपनी टिकट देके आ रहे हैं, 1000 बंदे हैं। ओमान की बात करें तो ओमान से 450 बंदे अगले 8 मई से 13 मई के बीच में इंडिया पहुँचेंगे। अगर कतर की बात करते हैं साथियों को, कतर का भी 400 बंदे इंडिया पहुँचेंगे अगले 1 वीक के अंदर। कुवैत की बात करें तो भाई कुवैत के कम से कम 1000 बंदे इंडिया पहुंचेंगे अगले 1 वीक के अंदर। बहरीन के 400 बंदे पहुंचेंगे अगले 1 वीक के अंदर। ये मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको पता है साथियों टिकट का खर्चा आपका लगेगा, प्लस आपका 14 दिन जो क्वारंटाइन गवर्नमेंट करने जा रही है भाई, ये भी आपका खर्चा लग रहा है। हालांकि ये नहीं लगना चाहिए, इस पर अलग से हम टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। इंडिया में क्या प्रतिक्रियाएँ चल रही हैं, कौन क्या कह रहा है, इस पर कल सुबह मैं वीडियो डालूंगा, वो आप पूरा देखिएगा। शाम को एक वीडियो और डालूंगा इसी से रिलेटेड, वो भी आप देखिएगा। मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरी इंक्वायरी सही तरीके से दे दी है, अगर फिर भी नहीं दे पाए हो तो धीरे धीरे आप वीडियो वॉच करते रहिए, इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे पास आएगी मैं कोशिश करके सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।